वहीं हफ्ते के पहले कारोबारी दिन यानी कि आज 29 अप्रैल को शेयर बाजार में तेजी देखने को मिल रही है। सेंसेक्स 300 अंक से ज्यादा की तेजी के साथ 74,000 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। वहीं निफ्टी में भी 50 अंक से ज्यादा की बढ़त देखने को मिल रही है। ये 22,500 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 27 में बढ़त और 3 में गिरावट देखने को मिल रही है। बैंकिंग और फार्मा शेयर्स में ज्यादा बढ़त है और आज 29 अप्रैल को कई कंपनियां वित्त वर्ष 2023-24 की चौथी तिमाही के नतीजे जारी करेंगी। इन कंपनियों में यूको बैंक, शॉपर स्टॉप, टाटा केमिकल, ट्रेंड, जना स्मॉल फाइनेंस बैंक और पुणे वाला फिनकॉर्प सहित अन्य कंपनियां भी शामिल हैं।